हाँ ये है, इस रिकॉर्डिंग इज, यू आर डूइंग और आई एम डूइंग। हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माता जी। यस हरे कृष्णा वेलकम यू ऑल। आज के सेशन में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है, स्पेशली वैष्णवीज का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। तो हम एक क्लास शुरू करने से पहले एक लिटिल प्रेयर कर लेते हैं। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामने। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितर। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद। मैंने पहले कहा कि मैं पहले अमरावती इस्कॉन अमरावती के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया सेवा करने के लिए, स्पेशली जय भद्रा माता जी। सो आज का जो टॉपिक है क्लास का वो है आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क। कि जैसा मैंने बताया कि आजकल जो है आधुनिक युग में हम हर चीज स्मार्ट चाहते हैं, तो लेकिन हम सोचते हैं भक्ति जो है वो ऐसे ही कैजुअल है, समथिंग लाइक दैट इज नॉट साइंटिफिक, देयर इज नथिंग लाइक दैट, इट इज ओनली सेंटिमेंट, एक भाव है भक्ति और कुछ नहीं है। लेकिन जब हम श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट से जुड़ते हैं तो हम देखते हैं कि भक्ति इज अ साइंस, है ना। तो साइंस जो है वो समझने के लिए आज हम एक छोटा सा टॉपिक से ये समझेंगे कि भक्ति कितना इलैबोरेट और कितना साइंटिफिक है, और कैसे वैदिक फिलोसफीज जो होती है, जो प्रिंसिपल होते हैं, दैट इज द बेस्ट फॉर ह्यूमन काइंड, हमारे मनुष्य जीवन के लिए ये जो वैदिक परंपरा है ये सबसे ज्यादा ही यूजफुल है और बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो आज हम एक छोटे से टॉपिक में देखेंगे कि स्मार्ट वर्क, आज की जनरेशन हर चीज स्मार्ट चाहती है, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज के इस युग में हम भक्ति करते हुए कैसे स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। ये हम तो सोचते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो हम बाकी चीजों से नॉन कनेक्ट नहीं होते और वी आर वेरी बिकम अनयूजुअल लाइक दैट। तो हम कैसे भक्ति को और आज की लाइफ को, अपना जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है हमारी, जो जैसे आप गृहस्थ में हैं या अगर हम स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों को हम मैनेज कैसे करें। तो क्या वेद में या कुछ ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन बताया गया है जिससे कि हम अपने आप को स्मार्ट बना सकते हैं? यस, आज हम देखते हैं कि आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क क्या क्या होता है। यमुना सुंदरी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट इज स्मार्ट वर्क। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मार्ट वर्क होता क्या है, है ना। स्मार्ट वर्क में दो वर्ड है, स्मार्ट एंड वर्क। तो पहले देखते हैं कि स्मार्ट का क्या मतलब होता है। कि स्मार्ट का मतलब होता है कि जो कार्य होता है वो बहुत ही बुद्धिमान से किया गया हो, लिफ्ट लुक बिफोर यू लीप एंड मल्टीटास्किंग हो और उसमें ऑर्गेनाइज्ड, एक साथ हम कई काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, मल्टीटास्किंग हो लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो इसको क्या कहते हैं, स्मार्ट। एंड व्हाट इज वर्क। ओके, तो भागवतम में बताया गया कि व्हाट इज स्मार्ट वर्क, कि 11:36 में बताया गया है श्रीमद् भागवतम में कि कायन वाचा मन से इंद्रिया। ये जो हम जो कंडीशन सोल है, हम जो बद्ध जीव है, जब हम अपने स्वभाव के अनुसार जो हमारा शरीर है, हमारा मन है, इंद्रियां हैं, हमारे वचन है, हमारी चेतना है, उन सब के कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए ऑफर कर देते हैं, तो वो कार्य जो होता है वो स्मार्ट हो जाता है। तो भगवद गीता में भी क्या क्या चीज नहीं होती, उसमें पहले तो
हमारे लिए कोई दुख नहीं होता, और दूसरा जो हमारा जो भावबंधन है, हमारी जो प्रॉब्लम है, ये समूल नष्ट हो जाती है और हम भगवत धाम चले जाते। तो ये नॉलेज हमें है ही नहीं कहीं भी, ये बता देता हाँ देयर आर सो मेनी सेमिनार हाउ यू बिकम एक्सीलेंट इन वर्क, हम कैसे अपने कार्यों में बहुत ज्यादा स्मार्ट एक्सीलेंट बने, ये बताया जाता। लेकिन अभी हमारे पास देख रहे हैं कि आज के समाज में ही आप देखिए कोरोना वायरस है, सो मेनी डिजीज है, डिप्रेशन है, वॉर है, क्या इनको इनको रोका जा सकता है? तो हम देखते हैं इनके लिए कोई उपाय हमारे मटेरियल जगत में नहीं, मटेरियल जो टीचिंग्स हैं उसमें ये चीजें नहीं दी है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे शास्त्र में बताया जाता है कि अगर हम अपने वर्क को स्मार्ट बना ले तो हम इन सब प्रॉब्लम से ही निकल सकते हैं और अपने ओरिजिनल गोल भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं और अल्टीमेट बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। और सुख कैसा होता है? जो कि शाश्वत रहे, हमेशा रहे। लेकिन मेटीरियल नॉलेज में हम क्या प्राप्त करते हैं? ऐसा सुख प्राप्त करते हैं जो थोड़ा थोड़े देर के लिए होता है, क्षणिक होता है, टेम्परेरी होता है। तो हुआ ना स्मार्ट वर्क। तो वेद में या शास्त्रों में भगवद गीता श्रीमद भागवतम की नॉलेज या एजुकेशन लेके अगर हम चलते हैं और हम अपनी बॉडी स्पीच और माइंड फाइव सेंसेस को भगवान के कहे अनुसार जब ऑफर कर देते हैं, उनके अनुसार जब चलते हैं, तो हम न केवल स्मार्ट वर्क अभी करते हैं बल्कि हम आगे अपना जितने भी प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि डिजीज भव रोग है, इनसे भी हम पार चले जाते हैं और साथ में हमें भगवत नाम यानी शाश्वत सुख की भी प्राप्ति है। तो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। देन क्वेश्चन ये आता है कि स्मार्ट वर्क तो हम समझ गए कि जब भगवान के लिए कार्य किया जाता है तो हु इज स्मार्ट, तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्मार्ट कौन है। तो देखिए एक पिक्चर है, हम जनरली देखते हैं ना, ट्रेन है ये जा रही है और उसमें आप देखिए सब बैठे हुए, इसमें कर्मी भी बैठे हुए, ये भी बैठे हैं, लेकिन हु इज इंटेलिजेंट? तो आप पिक्चर देख रहे होंगे है ना, इसमें डिवोटीज भी बैठे हुए हैं एंड वो क्या कर रहे हैं, और जो कर्मीज बैठे हुए अपने लैपटॉप के साथ बैठे हुए वो क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो हु इज स्मार्ट? हाँ, कोई बताएगा हैंड रेज करके इस पिक्चर में कौन स्मार्ट है? यस नीलम, टेल मी हु इज स्मार्ट अकॉर्डिंग टू यू? प्रभु जी हु आर चैंटिंग। ओके, व्हाई यू फील? बिकॉज़ यू आर डिवोटी, दैट्स व्हाई यू आर टेलिंग? नो माता जी, बिकॉज़ मतलब मुझे ऐसे लगता है कि इफ वी गेट्स एनी टाइम एनीवेयर वी शुड चैंट, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। एंड सेकेंडली इफ वी चैंट भगवान श्री कृष्ण ऑटोमेटिकली ही गिव्स अस दैट इंटेलिजेंस, ही गिव्स अस दैट नॉलेज। सो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी हमारा काम होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, वी रियली डोंट हैव टू डू सो मच हार्ड वर्क फॉर दैट। I think. Thank you so much. But one thing is missing here. I go for anyone else. Yes, Samiksha is there. Okay, Samiksha. और क्या दिख रहा है? क्यों स्मार्ट है devotees? Anyone? हरे कृष्ण माता जी। Yes, बेटा। जो मतलब material world है वो मतलब ऐसे depressed जैसे दिख रहे हैं और जो मतलब chatty है वो happy। Yes, that is the main point. आप देखिए किसी भी कंडीशन में डिवोटीज जो है वो हैप्पी रहते हैं क्योंकि ये वो हैप्पीएस्ट आनंद भय साथ भगवान का एसोसिएशन हमेशा करते, तो वो कभी डिप्रेस नहीं थे। अभी कोरोना के समय में सब इतने घबराते थे लेकिन जय भद्रा माता जी अपना प्रीचिंग बताती थी, सारी चीजें बताती, ओ वी कैन डू लाइक दैट, कोरोना में यू कैन डू लाइक दैट, है ना, हिज काम पोज्ड, है ना, क्यों? और बाकी लोग ये हो गया ऐसे हो गया, व्हाट कैन वी डू, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, व्हाट कैन वी डू, वी कैन डाई लाइक दैट, बट माता जी वाज सो काम। अगर है तो एवरीबॉडी इज प्रोटेक्टेड, उनको ये पता था, वो मंत्र गुरु ने दिया वो उनको ये पता था। तो हालांकि मेटीरियल नॉलेज में उनको ये चीज नहीं मिला होगा लेकिन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ये उनको ज्यादा बना पा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जिसके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में बहुत हैप्पी होता है। ओके, नेक्स्ट।
तो हम देखते हैं कि स्मार्ट वर्क में हमें कैसे वर्क करना चाहिए. तो हम पहले देखते हैं कि हमको पहले yes, go for that. It's okay. Okay. So, इसमें स्मार्ट वर्क हम कैसे करें, इसके लिए कुछ बातें होती हैं. जैसे सबसे पहले होते हैं कि हमें स्पेसिफिक होना चाहिए कि हमें ये काम करना है ना. कोई भी वर्क लेना है तो हमें ये वर्क करना है. तो एक गोल हम ले लेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे, मॉनिटर. सो सेट योर सेल्फ सक्सेसफुली चूज समथिंग अचीवेबल. देखिए, हमें कोई चीज ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जो हम प्राप्त कर सके. हम ऐसा कुछ नहीं अपना गोल बनाएंगे कि हम उसको प्राप्ति ना कर सके, है ना. तो सबसे पहले मैं स्पेसिफिक होगा कि हमें इन इस चीज इस मेरा जो वर्क है ये कार्य है, इसको स्मार्ट बनाना है. फिर उसको टाइम टू टाइम हमें मेजर करना है कि जो मेरा कार्य है उसका जो लक्ष्य हमने बनाया, क्या वो मुझे प्राप्त हो रहा है या क्या ऑब्स्टिकल आ रही है. और लक्ष्य कैसा बनाना चाहिए, वर्क कैसा होना चाहिए कि जो कि हमारे लिए अचीवेबल हो, हम कर सके. हम ऐसा लक्ष्य ना बनाए कि जो हम कभी कर ही ना सके. फिर और हमारा वर्क कैसा होना चाहिए, टारगेट कैसा होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, है ना, रियल होना चाहिए. और बी एग्रेसिव एंड रियलिस्टिक व्हेन सेटिंग योर एंड टाइम और डेट. नो देयर एन एंड इन साइट विल हेल्प यू टू फोकस एंड पुश योरसेल्फ. इन क्या होता है कि कोई भी हम मान लीजिए वर्क है उसको ठीक करना चाहते हैं. जैसे सुबह जल्दी उठना, हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, हम एक टारगेट सेट करें. तो फर्स्ट टेक टारगेट. तो सुबह जल्दी उठना ये हम मेजर भी कर सकते हैं, अचीव भी कर सकते हैं और रियलिस्टिक भी है ना. क्योंकि बहुत से लोग सुबह उठते हैं, रियलिस्टिक है, हम नहीं उठते, इट्स ओके, हमारे रियल नहीं है. लेकिन ये बहुत से लोग उठते हैं और कर सकते हैं, ये रियल है. तो फिर क्या होना चाहिए कि भाई हम जब बाकी प्रोसेसेस कर रहे हैं कि कैसे हम रियल सुबह उठ सकते हैं, सब कर रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, बीच बीच में हम थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं क्योंकि हम सुबह नहीं उठ पा रहे. तो क्या करना चाहिए, टाइम होना चाहिए हमारा. हम 2 महीने में हम 6 बजे उठते हैं तो एटलीस्ट हम 5:30 बजे उठे, है ना. तो हमको ये अपना होना चाहिए कि 2 महीने तो टाइम आ रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा फोकस. तो ये जो चीजें होती हैं ये हमें पुश करती हैं अपनी गोल को अचीव करने. गोल को अचीव करने के लिए स्पेसिफिक होना चाहिए, पहले से स्पेसिफिक रहें, यानी कि सारी प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व कर लें, नहीं, टेक वन टारगेट वन टाइम और वो टारगेट को बार बार मेजर करते रहे अपने काउंसलर के साथ, अपने सिस्टम, अपना जो भी हमारे अथॉरिटीज हैं उनके साथ हम मेजरमेंट करते रहे कि कैसे हो रहा है, मॉनिटर करते रहे. और वो टारगेट अचीवेबल होना चाहिए, प्राप्त कर सकते हैं, रियल होना चाहिए और उसका टाइम होना चाहिए. और टाइम जब आ रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि हमको अचीव करना ही है. We cannot do it. How can become we smart work? कैसे हम obedient बनेंगे? So ये सब चीजें हमें push करते हैं. Okay, next. तो मैंने एक एक example बताया. जैसे मान लीजिए आपको है कि आपको cleaning करना है, garbage cleaning करना है. तो सबसे पहले हमें target पता होना चाहिए. Take help, put small sports material into side bin. तो हम बच्चों की भी हेल्प घर में ले सकते हैं, अपने परिवारजनों की हेल्प ले सकते हैं. ऐसा करते हैं कि पहले आप लोग किड्स लोग क्या कीजिए, जितने जो सामान फैला हुआ है उसको एक जगह रख दीजिए. फिर व्हेन आई कैन फिट द कार इन गार्बेज, अगर हम सामान को हटा देंगे तो हम अपनी कार को अपने गैराज में जरूर रख सकते हैं. क्लीन द गैराज, ये टारगेट है हमारा. हमने बच्चों की भी हेल्प ली, बाकी लोगों को भी हेल्प ली. इससे क्या होता है, हमारा कार्य जो है उसका प्रेशर कम हो जाता है. तो इस बार कहेंगे जब ये गैराज जो है क्लीन हो जाएगा तो मैं इस कार को अपने गैराज में खड़ा कर सकूंगा. फिर क्या होगा, किड हैव वीकेंड ऑफ फ्रॉम स्कूल बाय बैक इज आल्सो गुड. सो से यस, तो हम बच्चों को कहेंगे नहीं स्कूल जाते समय आप करिए, नहीं करेंगे. उनको सैटरडे संडे ये वर्क देना पड़ेगा जब उनका ऑफ होता है, ब्रेक होता है, हॉलीडे होता है. तो दे ऑल्सो इंजॉय, है ना. और रियलिस्टिक है कि यस आई ऑल बिन विल बी रिक्वायर्ड. तो गोल क्या है, क्लीन गार्बेज. तो उसका रियलिस्टिक क्या है कि हाँ इसको साफ करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, अनरियल नहीं है, हम कर सकते हैं. तो हम कब तक करेंगे, बाय दिवाली या बाय होली या गौर पूर्णिमा. गौर पूर्णिमा जैसे आ रहा है तो गौर पूर्णिमा आने वाला है, तो हम हर चीज क्लीन करते हैं ठाकुर जी के लिए, तो हमको क्लीन करना है. तो दिस इज योर टाइम. तो इस तरह से हम प्लान करते हैं डे, वीक, मंथ एंड क्वार्टर, ईयर. इस तरह से हम प्लान कर सकते. तो कोई भी वर्क को अगर हमें ठीक करना है तो इस तरह से हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी. ये कैटेगरी होना चाहिए कि फर्स्ट वी हैव अ लक्ष्य,
पता होना चाहिए, उसके बाद हमें देखना है कि कार्य को कैसे करना है, उसके बाद हमें देखना है कि इस कार्य को कैसे कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये कार रियलिस्टिक और अचीवेबल होना चाहिए, और इसका एंड टाइम भी पता होना चाहिए कि व्हेन वी कैन अचीव इट। तो हम इस तरह से कार्य करेंगे तो हम स्मार्ट बन जाए। ओके, नेक्स्ट। ओके, इसमें देखिए, इसमें हमने जो चीजें मैंने आपको भी बताई उसी को हमने बताया SMART। अगर हमें स्मार्ट गोल करना है तो मेक योर ओन गोल, रीड द SMART गोल डिस्क्रिप्शन एंड टेक सम टाइम टू कम अप विथ योर ओन पर्सनल गोल। जैसा कि हम आपको बता सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, साइंटिफिकली इस तरह से होता है। तो हम क्या करेंगे, हम आपको डिस्क्रिप्शन बताएंगे। अब आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी भी वर्क को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो इन कैटेगरी के हिसाब से चलिए। तो आप देखेंगे कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपका वो वर्क स्मार्ट बन जाएगा। फिल इन द ब्लैंक टू क्रिएट योर पर्सनल प्रोक्लेमेशन, प्रिंट देम एंड पोस्ट देम समवेयर एल्स, क्लटर, चूज इंस्पिरेशन प्लेस योर होम ऑफिस दैट यू कैन सी एफिक। हमें जो कार्य करना है सबसे पहले उसको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। मेंटली प्रिपेयर करने के क्या करना होगा, हमें चिट्स बनाने चाहिए। मुझे सुबह जल्दी उठना है, फिर जल्दी उठने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ये लिस्ट बनाए हम, है ना। उसमें से दो तीन बातें हाईलाइट करके हम ऐसी जगह स्टिकर्स लगाएं जहां हम बार बार जाते हैं। जैसे माता है वो ज्यादातर अपना कुकिंग एरिया किचन में जाते हैं, या अपने फ्रिज के ऊपर लगा सकते हैं, जहां हम स्टडी करते हैं वहां लगा सकते हैं। वहां छोटे छोटे चिट्स के रूप में, पॉइंट्स के रूप में लगा देना चाहिए ताकि हमें अवेयरनेस बनी रहे कि ये काम मुझे इसलिए करना है, ये काम ऐसे करना है। तो उससे क्या होगा, हम जब हम कोई चीज हम डेली देखते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है, हम जरूर उसको करते हैं। यस, किरणा, नेक्स्ट। तो देखिए एक पिक्चर है कि हमें बहुत हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। जिसमें आप देख रहे होंगे बहुत ही फेमस कहानी है कि कौवा जो प्यासा था वो कैसे पानी पीता था। तुमने देखा था कंकड़ एक एक लेके डालता था, लेकिन आज हमारे पास स्ट्रॉ है, वी कैन यूज स्ट्रॉ, वाई कैन गो फॉर हार्ड वर्क। वी कैन यूज when we can do our work smartly, we get time to do chanting, है ना? हम अपने भक्ति के लिए टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम मटेरियल वर्ल्ड के कामों को ही करने में हार्ड वर्क लगाएंगे तो हम कभी भी स्पिरिचुअल के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जो भक्त होता है वो टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है, वो अपनी सारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज को कैसे करता है, स्मार्टली, नॉट हार्ड वर्किंग। जैसे अभी मुझे था कि 18th को प्रोग्राम है माता जी का, शायद मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन अभी फोन आया, नो वी हैव टू गो फॉर राइट नाउ एंड आई हैव 15 मिनट, व्हाट टू डू, सो आई कैन गो, ओके आई कैन गो फॉर दिस टॉपिक, आई कैन डू दिस एंड कैन डू ऑलरेडी आई हैव ऑर्गेनाइज्ड माय ऑल द थिंग्स, सो इट्स टेक हार्डली 5 मिनट्स to communicate, and Yamuna is ready and we are doing presentation. So you can see, agar hum pehle se prepare karke rakhe hai, it is very easy to work. Like straw ke saath pee lena. So kya hota hai, jab straw ke saath peete hai, to bhakti ke liye bhi time milta hai, to hum pehle se pre-planning kar lete hain. To is tarah se bhakton ko apni planning karni chahiye. Ye kaise hoga, jab hum think differently. जब हम अलग तरीके से कार्य करना सीखेंगे, और हम देखते हैं कि भक्त बड़ा चतुर, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, ये शास्त्र बोलते हैं सबसे इंटेलिजेंट कृष्ण भक्त होता है, कि किस तरह से वो बाकी सभी चीजों को मैनेज करे। नेक्स्ट। एक और है, देखिए कि हमें इस दोनों चीजों को लेके जाना है, लाइन तक लेके जाना है, कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो स्मार्ट जो भक्त है वो क्या करेगा, नीचे व्हील लगा लेगा एंड फटाफट काम कर लेगा और जल्दी भी कर लेगा और वो फर्स्ट आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, और देखिए वो हार्ड वर्क कर रहा है ना। थिंक डिफरेंटली टू डू थिंग्स। तो भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, घर के काम भी करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, और वो ऐसे काम करते हैं ताकि वो अपने लिए भक्ति के लिए समय भी निकाल सके। तो मैंने जैसे पहले बताया कि अपने वर्क को आप बांट दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बाकी नए लोग सीख भी जाएंगे, उनकी प्रीचिंग भी हो जाएगी और आपको हेल्प भी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट। ओके,
तो स्मार्ट वर्क करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं? स्मार्ट पेरेंटिंग आपकी होनी चाहिए, है ना? आप अगर स्मार्ट होंगे तो आपके बच्चे भी स्मार्ट होंगे, आपकी थिंकिंग स्मार्ट होनी चाहिए. नेक्स्ट, आपका एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति ये भी स्मार्ट होना चाहिए. तो नॉलेज अगर आपका अच्छा रहेगा तभी आपका एटीट्यूड मनोवृत्ति भी होगी, तभी आपका बिहेवियर भी आपका अच्छा होगा, व्यवहार. ओके, हमें स्मार्ट वर्क करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, आत्मसंयम. हम अगर फोकस्ड नहीं है कि हमें ये करना, हमें पता है हमें चैंटिंग भी करनी है, हमें स्कूल भी जाना है, हमें खाना भी पकाना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी है, तो हमें सेल्फ डिसिप्लिन बनना ही होगा. अगर हम अननेसेसरी मूवी देखने जा रहे हैं, हाँ, अगर हम मोबाइल पे बैठे हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, तो वेस्टिंग टू मच टाइम. हम बहुत ज्यादा प्रजल्प में, न्यूज पेपर में, इनमें टाइम वेस्ट करेंगे. सेल्फ डिसिप्लिन नहीं तो हम इतनी चीजों को अचीव नहीं कर सकते. जनरली हमारी प्रॉब्लम होती है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहते. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. हम बहुत ज्यादा अपने आप को फोकस नहीं करते हैं और अनर्थ चीजों में कार्य करते हैं, लगाते हैं ज्यादातर टाइम. तो अगर हम वहां से टाइम सेव कर लें तो हमारा थिंकिंग अच्छा हो जाएगा. थिंकिंग मतलब क्या होता है कि जब हम वैदिक नॉलेज लेते हैं तो हमारी थिंकिंग ऑलरेडी हायर हो जाएगी, है ना? कोई भी चीज को करना है तो हमारी थिंकिंग हायर हो जाएगी. थिंकिंग के हायर होते ही हमारा एटीट्यूड यानी मन की वृत्ति भी उसी हिसाब से होती है, और फिर हमारा बिहेवियर भी बदल जाता है. जैसे ईटिंग, जैसे आप इसको एक हम लेते हैं, है ना? सेल्फ डिसिप्लिन और स्मार्ट लैंग्वेज भी होना चाहिए. किसी चीज को हम कैसे बोलते हैं, जहां होना चाहिए सत्वगुण में होना चाहिए, है ना? भगवद्गीता में पढ़े, अगर हम सत्वगुणी होते हैं तो हम जल्दी से इन चीजों को अडॉप्ट कर पाएंगे, हम स्मार्ट वर्क कर पाएंगे. अदरवाइज हम रजोगुणी और तमोगुणी रहेंगे तो हम लेजी रहेंगे, है ना? तो हम नहीं कर सकते, इग्नोरेंस में रहेंगे. यस, तो ये है स्मार्ट वर्क करने के लिए कुछ स्टेप. हमारी पेरेंटिंग अच्छी होनी चाहिए, मैं थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, उससे हमारा एटीट्यूड अच्छा हो जाएगा, बिहेवियर, सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्मार्ट लैंग्वेज, मोड ऑफ गुडनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन. अभी हम इनके बारे में एक एक करके और आपको समझाएंगे. तो स्मार्ट पेरेंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि महाजनों ये गथासर पंथा, यानी जो आचार्य अथॉरिटी पर्सन ने हमें जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनके अनुसार जब हम काम करते हैं या बच्चे काम करते हैं तो वो स्मार्ट बनते हैं. क्योंकि आचार्य जो थिंकिंग देते हैं वो हायर थिंकिंग देते हैं. वो केवल हमें मटेरियल वर्ल्ड तक नहीं रखते बल्कि इसके ऊपर का शाश्वत आनंद की भी बात बताते हैं. फिर अफेक्शन, स्मार्ट वर्क में क्या होता है, लव भगवान के प्रति बढ़ता है और इस जगत से वैराग्य भी डेवलप होता है. और व्यक्ति जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर देयर डिपेंडेंस फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. हम समझते हैं कि ये जो जगत है ये दुखाले है और हमको भी इन दुखों से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलना है. और हमारे जो आश्रित जन है, हमारे माँ है, फादर है, बच्चे हैं, है ना, जो हमारा समाज है आसपास का, उनको भी कहाँ क्या करना है, इस दुखों से बाहर निकालना. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. जैसे ट्रेनिंग श्रवणम कीर्तन इन फाउंडेशन ऑफ भागवत धर्म एंड अवर प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस. हमें इस्कॉन जाना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा और किसी अथॉरिटी के अंडर में रहकर हमें श्रवण कीर्तन आदि जो हमारा जो भागवत धर्म है या डिवोशनल सर्विस है इसको सीखना होगा कि कैसे हम अपने स्थिति को स्मार्ट बनाए, कैसे हम अपने कार्यों को स्मार्ट बनाए. इसके लिए हमें अपनी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. आगे चलते हैं. सर्विस टू ड्रॉ द डिपेंडेंट सोल इनटू द इंटरनल एसोसिएशन विद कृष्णा. महाजने गदा पता अफेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रेनिंग. यस, यू हैव चेंज, प्लीज चेंज. जो बातें मैंने आपको बताई इसको एक टैप फॉर्मूला के द्वारा हम चेंज कर सकते. टी ए बी टैप फॉर्मूला. चेंज योर थ्री थिंग टू क्रिएट अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर यू. हो सकता है मैंने जो बातें बताई आपको समझ में ज्यादा नहीं आए, डोंट वरी. आप ये टैप फॉर्मूला अपने वर्क पर लगाइए. कोई भी वर्क को आपको स्मार्ट करना है तो टैप फॉर्मूला लगाइए. व्हाट इज दैट टैप फॉर्मूला? टैप मतलब थिंकिंग, ए फॉर एटीट्यूड एंड बी फॉर बिहेवियर. दिस इज टैप फॉर्मूला. अगर हम अपनी थिंकिंग को चेंज करेंगे
तो हमारा एटीट्यूड चेंज होगा, मनोवृत्ति. हमें लगता है कि होता है जैसी हमारी बुद्धि होती है वैसा हमारा व्यवहार होता है. तो अगर हमें चेंज लाना है तो चेंज लाने के लिए हमें थिंकिंग पर वर्क करना पड़ेगा. उसके बाद हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाएगा. जब हम अच्छी थिंकिंग देंगे, हायर थिंकिंग देंगे, तो हमारा मनोवृत्ति और व्यवहार दोनों चेंज होगा. यानी अंदर और बाहर दोनों से हम चेंज हो जाएंगे, है ना. हमारे अंदर हम्बलनेस, केयरफुलनेस, है ना, फियरलेसनेस, है ना, पोलाइटनेस, है ना, कंपैशन, ये सब सही मात्रा में डेवलप हो और हम ज्यादा पीसफुल और हैप्पी रह सकते. आइए देखते हैं ये टैप फॉर्मूला है क्या. आगे चलो. यस, नेक्स्ट टाइम. सबसे पहले हम आते हैं थिंकिंग पर. मैंने बताया कि थिंकिंग, जैसी जैसा सोच होता है, जैसी थिंकिंग होती है, वैसा ही हमारा मन की दशा होती है और वैसा ही हम व्यवहार करते हैं. आप लोगों में से कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से कि जैसे ही हमारी थिंकिंग होती है वैसे ही मनोवृत्ति होती है, वैसा ही हमारा व्यवहार होता है. आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं. ओके, थैंक यू. ओके, वेरी नाइस. इस तरह से देखते हैं कि हमारी थिंकिंग जो है, तो आइए थोड़ा समझते हैं साइंटिफिकली कि थिंकिंग होती क्या है. दो तरह की थिंकिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग और एक शॉर्ट टर्म थिंकिंग. लॉन्ग टर्म थिंकिंग में क्या होता है, हम चीजों को ज्यादा लंबे समय तक याद रखते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म थिंकिंग में हमें चीजें बहुत ज्यादा याद नहीं रहती, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है. तो आइए देखिए लॉन्ग टर्म थ्योरी. Oh, I'm not able to move it. एक सेकेंड, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ. आप लोग स्क्रीन दिख रही है पूरी? Yes, माता जी. Okay. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टू टाइप ऑफ थिंकिंग होती है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड शॉर्ट टर्म थिंकिंग. हमारे साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग में हमारा जो स्टोरेज लेवल होता है सबसे ज्यादा, हम ज्यादा लंबे समय तक याद कर सकते हैं. तो इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हमारी जो थिंकिंग है वो फोकस थिंकिंग होनी चाहिए. मैंने जिसे बताया कि हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, हमें ये कार्य करना है, हमें ये कार्य करना है, हमें यहाँ पे अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है. अगर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हमें क्या क्या लाभ होगा, अगर हम इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो हमारे क्या क्या फायदे नहीं होंगे. तो फोकस होना चाहिए, ये एक काम करना चाहिए. उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया ना, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. फर्स्ट मैं ये काम ऐसे करूंगा, इनकी हेल्प लूंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर टाइम बनाऊंगा, फिर एंड टाइम बनाऊंगा, कितने समय तक मुझे अचीव करना है. और हमारा जो वर्क होना चाहिए या जो हमारा सोल्यूशन का पॉइंट होना चाहिए वो किसी अथॉरिटी के अंदर में होना चाहिए, रियल होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए. तो ये स्ट्रैटेजी थिंकिंग होती है. और इसमें कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए. जैसे मैंने बताया आपको कि जो भक्त होते हैं या जो वैष्णवज होते हैं, इनकी थिंकिंग थोड़ी हाई होती है क्योंकि इनका नॉलेज हाई होता है ना. तो ये कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि वो, जैसे मैंने देख बताया ना आपको कि वो स्ट्रॉ से पानी पीना, जो क्रो था उसको जब प्यास लगी तो एक एक कंकड़ डाल के पानी नहीं पी रहा था, हार्ड वर्क नहीं कर रहा था, बल्कि क्रिएटिव थिंग, उसने स्ट्रॉ लिया एंड फटाफट पी लिया एंड चला गया. लेकिन इनसे भी ऊपर होता है. यस, मटेरियल वर्ल्ड में बहुत से लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत से काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन एक चीज जो भक्त करते हैं वो है मिराकल थिंकिंग. उनकी थिंकिंग मिराकल होती है. उनके पास जो वैदिक शास्त्र के जो नॉलेज होते हैं वो नॉलेज बाकी मटेरियल वर्ल्ड में नहीं मिलते. जैसे अभी कोरोना था, वी हैव स्मार्ट डॉक्टर्स, स्मार्ट थिंग, मेडिसिन ऑल्सो अवेलेबल, बट अगर हम जो डिप्रेशन है, फियर है, जो डेथ हो रही है, इन इन सब चीजों से जो लोगों के अंदर भ्रम बन गया है ना, उनको हम कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं. जिनके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी, हम शरीर नहीं आत्मा है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, भगवान हमारे फादर हैं, भगवान अवश्य रक्षा करेंगे, इन सब चीजों का जिन लोगों ने सहारा लिया,
जो लोग चैंटिंग करते थे, भगवान पर निर्भर रखते थे, महाराज के जपा टॉक्स वगैरह अटेंड करते थे, वो न केवल शारीरिक रूप से भी अपने आप को संतुलित रख पाए बल्कि मानसिक रूप से भी अपने आप को संतुलित रख पाए, और न केवल खुद को संतुलित रख पाए बल्कि वो औरों को भी इस तरह से फियरलेसनेस स्टेबल रखने में मदद कर पाए. दिस इज मिरेकल एंड इट्स ओनली वर्क. दिस मेक यू डिफरेंस. लॉन्ग टर्म थिंकिंग में हमारी सोच जैसी हो, हमेशा ध्यान रखें, हमारी जैसा नॉलेज होगा, हमारा नॉलेज का जो स्तर होगा, हमारा अगर नॉलेज रजोगुणी और तमोगुणी है, रोटी कपड़ा और मकान ही है, तो हम सोल्यूशन उसी तरह से लेंगे. हमारे पास कोई मॉरल वैल्यूज नहीं होंगे. स्कूल में जो शिक्षाएं दी जाती है उसमें ब्रह्मण तो ब्रह्मचर्य के बारे में बताया जाता है, नहीं कोई मॉरल एडिकेट्स होते हैं. नशा पान करना, मीट ईटिंग करना, एलसी सेक्स करना, गैम्बलिंग करना, ऑल आर देयर. तो इस तरह की जो नॉलेज है, इस तरह से बिहेवियर के थ्रू जो हमें नॉलेज मिलेगी, हम उस नॉलेज का क्या करेंगे? हम भ्रष्टाचार करेंगे, लोगों का शोषण करेंगे, मनी माइंडेड होंगे. लेकिन जब हम वैदिक ज्ञान अपने अपने भगवद गीता और भागवतम के हिसाब से नॉलेज लेंगे, थिंकिंग लेंगे, तो हमारी ये थिंकिंग ब्रह्मचर्य, क्लीननेस है ना, आदि पर आधारित होगी. तो इसका रिजल्ट क्या होगा? हम भगवत उन्मुख रहेंगे, किसी का सबका बेनिफिट करने की कोशिश करेंगे, हमारे अंदर शोषण नहीं पोषण की भावना आ जाए. एंड इट्स टेक हम समझेंगे कि भगवान के द्वारा प्रदत्त सारी चीजें हैं. तो पृथ्वी में डिजीज या वॉर ये सिचुएशन आती क्यों है? हमने भगवत गीता पढ़ा है कि जब हम बहुत ज्यादा आसुरिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं और भगवान जो कि मूल है उनको निकाल देते हैं अपने जीवन से, तो हमारे सारी चीजों का हमें सामना करना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक कलुष का सामना करना. तो ये जो मिरेकल थिंकिंग है, इट्स ये जो है वो चेंज करता है. भक्त जब ऑथराइज्ड वे से नॉलेज गेन करता है, तो जब वो आध्यात्मिक रूप से अपने आप को स्थिर रखता है, तो मन और बुद्धि और शरीर अपने आप स्थिर रहता है. अगर बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस भी हुआ, मन बुद्धि में कोई डिस्टर्बेंस भी हुआ मटेरियल वर्ल्ड में, तब भी वो ये जानता रहता है एज अ सोल ही इज इंटरनल, ही शी इज इंटरनल. वो जानता है कि आत्मा जो है शाश्वत होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, और आत्मा में न तो जन्म होता है, न तो मृत्यु होती है, न जरा होती है, न व्याधि होती है. तो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम् यौवनम् च तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र नमोहे. भगवद्गीता क्या बताती है कि ये देह है, इससे परिवर्तन होते ही हम जन्म लेंगे, बड़े होंगे, है ना, यौवन अवस्था को प्राप्त होंगे, फिर हमें जर्जर अवस्था आती है, बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु होती है. लेकिन धीर व्यक्ति इस शरीर परिवर्तन से जरा भी मोहित या डिप्रेस नहीं. आपको देखना चाहिए कि हमारा जो वैदिक नॉलेज है, हमारा जो सनातन धर्म का जो नॉलेज जो श्रील प्रभुपाद ने वापस रीस्टैब्लिश किया, वो कितना ज्यादा जरूरी है. और श्री प्रभुपाद कहते थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस ही एकमात्र मार्ग रह जाएगा कलयुग में, अगर जो इनको फॉलो करेगा वो ही अपने आप को बचा पाएगा, अदरवाइज कोई भी नहीं बचा सकता. और आज हम देख रहे हैं कि आज के समाज में जिस तरह की स्थिति बनती चली जा रही है, चाहे वॉर है, चाहे कास्ट सिस्टम है, हिंदू मुस्लिम है, वॉट एवर क्राइसिस वी आर फेसिंग, है ना, उसमें अहम का हमारा एक ही सलूशन है, कृष्ण कॉन्शियस. वो हर चीज का हमारे पास जवाब है ना. जब कोरोना हुआ तो लोग क्लीननेस का बहुत ज्यादा मेंटेन करें, घर में खाएंगे, हैंड वॉश करना, मेंटेन दूरी मेंटेन करना. भक्त तो ऑलरेडी ये काम करते हैं क्लीननेस मेंटेन करना, है ना, हाइजीनिक रहना, और पवर परम पवित्र भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद खाना. तो देखिए है ना मिरेकल थिंकिंग. तो मिरेकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ चेंज शुरू होता है. इसलिए जीवों को इस तरह की थिंकिंग के बारे में पहले पता होना चाहिए. तो जनरली मटेरियल वर्ल्ड में आपको थ्री थिंकिंग मिलेंगी, फोकस मिलेंगी, दे हैव स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड दे हैव सम क्रिएटिविटी, बट दे डोंट हैव एनी मिरेकल थिंकिंग. उनके पास कोई फाउंडेशन, मूल नहीं. कृष्णा इज द मूल ऑफ एवरीथिंग, ये नॉलेज नहीं. ओके, आगे चलते, नेक्स्ट स्लाइड. हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक थ्योरी है डॉक्टर मैसुरी इमोचो की,
आपको लगता होगा कि ओ ये तो गीता भागवत की आप बात बता रहे हैं, लेकिन ये साइंटिफिक कहाँ है? ये साइंटिफिक है, साइंस खुद रिसर्च करती है और कहती है कि जो नॉलेज गीता में दिया गया है वो नॉलेज कहीं भी नहीं, दिस इज द हाईएस्ट नॉलेज। तो डॉक्टर मैत्सुरी इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने वाटर पर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने पाया कि जो थॉट्स होते हैं उनका वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, एक बाउल में वाटर लिया और अलग अलग सिचुएशन रखी, है ना। तो उन्होंने देखा कि पहला देखे कि उन्होंने रखा और बाउल में और उसमें क्या किया, ऑफरिंग अ प्रेयर, बिफोर ऑफरिंग अ प्रेयर, वाटर मॉलिक्यूल्स आफ्टर ऑफरिंग ऑफरिंग अ प्रेयर्स, जब हम थैंक यू कह रहे तो ऐसा बना, यू मेक मी सिक आई विल किल यू, लव एंड अप्रिशिएशन। उसने क्या दिखा रहा है, उन्होंने एक पानी अलग अलग बाउल्स में लिए, अलग अलग सिचुएशन में उनको प्रेजेंट किया और उसको फ्रीज किया, मतलब फ्रीजर में रख के उसको बर्फ बनाया। तो जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से बर्फ बने, लेकिन उनकी लेयर्स अलग अलग बनी। जब वो प्रेयर कर रहे थे, मानी एक बाउल रख दिया, उसका आइसिंग हो रहा है, उस समय आसपास लोग बैठे, उनका बहुत अच्छे कॉन्शियसनेस से भगवान के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, एक से एक प्रार्थनाएं कर रहे थे, और वो फ्रीज जो है वो आइस जो है वो जम रहा था। उसका क्रिस्टलाइजेशन देखिए कितना सुंदर, जब आसपास लोग बैठे थे और वो एक दूसरे को थैंक यू एप्रिसिएशन ऐसे कर रहे थे, तब भी देखिए कितना सुंदर क्रिस्टलाइजेशन। जब लोग आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे, अब देखिए ये थर्ड वाला या बीच में जो ये वाला है, अब देखिए कैसा गंदा सा क्रिस्टलाइजेशन हुआ इसका, ना? तो लव एंड एप्रिसिएशन का देखिए कितना सुंदर क्रिस्टलाइजेशन हुआ बर्फ का। और जब बर्फ जमी और ये देखिए कैसे इसे गिचपिच करके इसे बिल्कुल बहुत हार्डली हुआ, अब देखिए पानी सामने रखा हुआ है और आप बोल रहे हैं उसकी वाइब्रेशन उसमें जा रही है। तो ये होता है थिंकिंग का पावर। थिंकिंग जो है जब वाटर के मॉलिक्यूल्स में असर कर सकती है, तो आप सोचिए आपके घर में आप कैसी थिंकिंग रखते हैं, उससे आसपास के सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। और ये साइकोलॉजिस्ट का दिया हुआ। तो फर्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, अपनी थिंकिंग को मिरेकल थिंकिंग करनी है, दिस इज द वेरी हाईएस्ट टेस्ट, हायर थिंकिंग करनी है। उसके बाद आता है एटीट्यूड, मैंने बताया ना टैप फॉर्मूला, आप लोग भूलिए मत, TAB, टी फॉर थिंकिंग एंड ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड में क्या होता है कि ये देखिए ये एक चक्र दिया गया है एटीट्यूड, इस तरह से एटीट्यूड साइकोलॉजिस्ट बताते हैं हमारा एटीट्यूड या मनोवृत्ति कैसे बनती है। हमारा राइट थॉट है, पॉजिटिव मेडिटेशन करेंगे, राइट डिसीजन लेंगे, राइट एक्शन होगा, फिर इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो हैबिट बन जाए। हैबिट कैसे बनती है, मान लीजिए हमारे पास एक थॉट है ना, कि हमारे पास थॉट है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, तो हम क्या करेंगे इसके बारे में सोचेंगे कि हम सुबह उठेंगे तो हमारे क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होगा। फिर हम क्या एक डिसीजन लेंगे, राइट डिसीजन, क्या लेंगे, हम सुबह जल्दी उठेंगे। फिर क्या करेंगे, हम अपने उठने के 15 मिनट जल्दी उठेंगे, तो राइट एक्शन लेना शुरू करेंगे। और बार बार जब हम इसको रिपीट करेंगे कि अपने उठने के 15 मिनट पहले हम उठने लगेंगे, तो हमारी हैबिट बन जाएगी। हमारा अगर 5:30 बजे उठने का टाइम है तो हम जल्दी उठेंगे, है ना, हम 5 बजे उठने की कोशिश करेंगे और ये हमारी हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो ये है हैबिट, गुड हैबिट और बैड हैबिट तो होती है, लेकिन हैबिट डेवलप करने का फॉर्मूला होता है कि जैसी थिंकिंग होती है उसके बारे में हम सोचते हैं, फिर हम जो डिसीजन लेते हैं उसको जब हम करते हैं और वो हम बार बार जब पुनरावृत्ति करते हैं तो हमारी आदत बन जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो राइट एटीट्यूड, जैसे राइट एटीट्यूड डेवलप होता है वैसे ही बैड एटीट्यूड डेवलप होता है ना। तो व्हाट इज अ सोल्यूशन, कैसे हम सोल्यूशन करें, हमको सबसे पहले समझना होगा कि जो हैबिट्स मैं ही डेवलप कर रहा हूँ, तो सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और सिचुएशन को या बाह्य चीजों को अब्यूज करना बंद करें। जब हम कुछ नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं, दूसरों को या बाह्य सिचुएशन को हम क्रेडिट दे देते हैं, इनके कारण में ऐसा हो रहा है या इस सिचुएशन कारण में ऐसा हो रहा है। पहले वो करना बंद करें, हमें ये पता होना चाहिए हमारे हैबिट्स हमने डेवलप किए हैं और वी कैन चेंज अवर हैबिट। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी
फिर चेंज योर एटीट्यूड बाय चेंजिंग योर थॉट. हम अपने काउंसलर के साथ या अपने जो भक्त सीनियर वैष्णवस हैं उनसे हम चेंज करते हैं, मेरी थिंकिंग ये है तो इसकी मिरेकल थिंकिंग क्या होगी, इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं या अपर थिंकिंग क्या कर सकते हैं, तो आपको धीरे धीरे बताएंगे. फिर हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मेरी ये गलत चीजें हैं, मुझे इसको बदलना है. तो ज्ञान की तीन अवस्था होती है, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड देन चेंज. कैसे होता है अवेयरनेस, पहले हमें पता होना चाहिए, जागृति होनी चाहिए कि हमारे अंदर ये गलत है सबसे पहले. तब उसके अंदर क्या हो गया, हम एक्सेप्ट करेंगे हाँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तब क्या होगा चेंज होता है. तो पहले जागृति होनी चाहिए, फिर स्वीकार करना चाहिए, तब जाके परिवर्तन होता है. ये तीन स्टेजेज में ज्ञान के परिवर्तन होता है. तो हमारा डेवलप डिजायर टू चेंज, देन डेवलप गुड हैबिट्स, मैनेज योर एटीट्यूड डेली. तो आपको रिमेम्बर करा ले, आप लोग अगर ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तब ये क्विज होने वाला है, उसके आंसर देने से मैं पता चलेगा कि आप लोग ने कितने ध्यान से सुना. प्लीज बी अपने आप को कंसंट्रेट करके सुनिए, क्योंकि आपको फिर इसके बाद एक क्विज भी करना है. ओके, तो हम आगे चलते हैं कि इस तरह से हमारा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है. तो हम देखते हैं कि अगर हम अपनी डिसिप्लिन लाइफ रखते हैं और अनडिसिप्लिन लाइफ रखते हैं तो क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है. मैंने बताया ना ऐसे लिस्टिंग करनी चाहिए. तो इसमें से कोई रीड करेगा, डिसिप्लिन लाइफ में क्या क्या फायदे हैं? यस, एनीबॉडी कैन स्टार्ट. डिसिप्लिन लाइफ माता जी, हरे कृष्णा. डिसिप्लिन लाइफ का खाली पढ़िए. यस, चूजिंग द राइट कोर्स थ्रू इट मे बी चैलेंजिंग, सेटिंग प्रायोरिटीज, seeking solutions, walking the talk, overcoming obstacles, focused on the goal and firm in the commitment. हाँ, इसे बताया कि पहले हमें choosing the right course, though it may be challenging. हमें सही attitude, हमें सही course पता होना चाहिए. उसमें बहुत से challenges आ सकते हैं, लेकिन हमें सही रास्ता ढूंढना चाहिए. फिर हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए कि मैं पहले ये काम करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, तब मेरा गोल जो है वो अचीव हो जाएगा. और हमें हमेशा देखना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सलूशन भी है ना. और जैसा हम बोलते हैं, मान लीजिए हम बोलते हैं कि हाँ हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो पहले हम सुबह जल्दी उठेंगे तभी हम दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं, है ना. प्योरिटी इज द फोर्स, ओवरकमिंग द ऑब्स्टिकल्स. जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई चेंज लाते हैं, तो बहुत सी बाधाएं आती हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा, एसोसिएशन अच्छा रखना पड़ेगा, तो वो हमें धीरे धीरे हम ऑब्स्टिकल से बाहर आते हैं, भगवान हमें ऑब्स्टिकल से बाहर कर देते हैं. और हमेशा फोकस्ड ऑन गोल, बार बार हमें रिटन गोल होना चाहिए, हमारा ये गोल है, ये टारगेट है, यहाँ हमें इम्प्रूव करना है, उसको बार बार देखना चाहिए. और फर्म इन कमिटमेंट, इसको ठीक करने के लिए हमने जो इंस्ट्रक्शंस बनाए हैं, जो रूल्स बनाए हैं, उनको ठीक से पालन करें. ओके, फिर अनडिसिप्लिन लाइफ, अगर हम अनडिसिप्लिन लाइफ रहते हैं है ना, तो क्या क्या नुकसान होते हैं, कोई पढ़ेगा प्लीज जल्दी से पढ़िए. गोइंग विद द इजी कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल रूट, following moods, making excuses, sleep service alone, procrastinating or quitting, winning along the way, swayed by feelings. Thank you so much, Mataji. Thank you so much for reading. इसे बता रहे हैं कि हम challenges नहीं लेते हैं, है ना. हम क्या लेते हैं, हाँ comfort life होनी चाहिए हमारे, नहीं नहीं हमसे ये सब नहीं होगा, हम ऐसे ही रहेंगे. तो हम कोई चैलेंज ही नहीं लेते, कंफर्ट लाइफ में रहते हैं. फिर हम अपने मूड के हिसाब से, आज मेरा मूड ये कर रहा है इसलिए हम करेंगे. अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं आप मंदिर आइए थोड़ा सर्विस, नहीं नहीं हमारे पास ना टाइम नहीं, हम नहीं कर सकते, आप जानते हैं मेरे बच्चे हैं, ये है वो है, इन बहुत से गृहस्थ है जो सेवा करते हैं. तो हम क्या होते हैं, अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं, इसलिए हम अनडिसिप्लिन रहते हैं. देन मेकिंग एक्सक्यूजेस, है ना, हम सलूशन की जगह एक्सक्यूज देंगे, नहीं हम ये नहीं कर पाए ना, जानते हैं आज ये काम आ गया इसलिए मैं नहीं कर पाए. इसके बाद लिप सर्विस करते हैं, हम वॉकिंग टॉक नहीं करते, राइट, हम लिप सर्विस करते हैं, हम खाली बोलते हैं लेकिन खुद फॉलो नहीं करते. फिर प्रोकास्टिनेशन और क्विटिंग, हम अरे ठीक है कल से करेंगे,
प्रोकास्टिनेशन टाल मकल करना है ना, आज नहीं कल से करेंगे, इसीलिए हम कभी भी ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल से नहीं कर पाते है ना। अब अलोंग द वे विनिंग अलोंग द वे फोकस नहीं होते हम, ठीक है हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, अच्छा एक महीने दो महीने में हो जाएगा, इस तरह का भी होता है। और फर्म इन कमिटमेंट इज स्वाइंग बाय फीलिंग, जैसे हमारा मन करता है वैसा करते हैं। तो इस तरह से अनडिसिप्लिन लाइफ में ये सब चीजें रहेंगी और डिसिप्लिन लाइफ में हमारा ये फोकस रहेगा। इसलिए हम देखते हैं कि डिसिप्लिन लाइफ होना बहुत जरूरी है। मैंने बताया था टैप फॉर्मूला में थिंकिंग, एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज होता है। उसमें हमने दो चीजें और ली थी, वो था डिसिप्लिन लाइफ एंड लैंग्वेज, याद है फर्स्ट स्लाइड में हमने लिया था ना डिसिप्लिन एंड लैंग्वेज। तो अगर वाणी जो है हमारा अच्छा होगा तो कार्य करने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार हो जाता है। वाणी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो भगवदगीता के 17:15 में बताया गया है कि हमारी जो वाणी होती है वो कैसी होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, लुभावने होनी चाहिए, बेनिफिशियल होनी चाहिए, सबके लाभ के लिए होनी चाहिए, किसी को विचलित नहीं करना चाहिए और रोज वैदिक साहित्यों का अध्ययन करना चाहिए। ये होती है स्मार्ट लैंग्वेज। हम कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए जैसे कि जनरली हम बोलते हैं यू आर ऑलवेज लेट डैम इट इज योर होम, एक हम बोलते हैं ना अरे तुम हमेशा लेट आते हो, क्या ये तुम्हारा घर है ऑफिस है? तो इस तरह से हम बोलते हैं एक इनकरेक्ट वे है। और करेक्ट वे अगर किसी का होगा तो कैसा होगा, इज देयर समथिंग वी कैन डू टू मेक यू मोर पंचुअल, आप नियमित नहीं है तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता जिससे कि आप रेगुलर ऑफिस पे सही समय पर आ सके। तो दोनों शब्दों में अंतर है। फर्स्ट वाले में व्यक्ति जो है वो इरिटेट हो जाएगा, उसको इंसल्ट फील होगा, वो ज्यादा चेंज नहीं करेगा। लेकिन सेकंड वाले में वो व्यक्ति उनसे कंसर्न शो कर रहा है कि आप कहाँ, ठीक है अभी अनपंचुअल हो आप, लेकिन अगर आप नियमितता चाहते हो कि हाँ टाइम से आओ, टाइम से सब चीजें करो, तो हम लोग साथ बैठ के कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। तो मतलब ये व्यक्ति मेरी हेल्प करना चाहता है, तो वो व्यक्ति करने की कोशिश करेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बोलता है यू ब्रेनलेस फूल, यू एरर पर्सन, यू एरर पर्सनिफाइड, डू यू नो व्हाट यू हैव डन, तुम एक नंबर के मूर्ख हो, तुम्हें पता है तुम ना पिटारे हो, गलतियों के पिटारे हो, तुम्हें पता है तुमने क्या किया। अब हम ये इनकरेक्ट पे, अगर हमारे उसी बात को हम इस तरह से बोले, इट अपीयर्स दैट यू नीड मोर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस टू मेक दिस बेटर। हाँ ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चे होते हैं है ना, नया नया सीखते हैं और कुछ वो बनाते हैं, मान लीजिए केक बनाते हैं, तो वो केक में उनको इतना नॉलेज नहीं होता, फर्स्ट टाइम बनाया और चीनी की जगह नमक डाला है और केक भी ठीक से बेक नहीं हुआ है, तो हम अगर इस तरह से फर्स्ट वाले की तरफ बोलेंगे तो वो दोबारा तो केक बनाने ही वाला नहीं है। लेकिन अगर हम इस सेकेंड तरीके से बोले कि हाँ ठीक है तुमने ट्राई किया, लेकिन तुम्हें और ट्रेनिंग और गाइडेंस मिल जाएगा तो तुम बहुत अच्छा केक बना पाओगे जैसा कि मैं बनाती हूँ, वो व्यक्ति क्या होगा, इंस्पायर फील करेगा और वो कार्य करेगा। तो वाणी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हमें स्मार्ट वर्क करने के लिए। तो हम जब मिराकल थिंकिंग रखेंगे, वापस समझाते हैं, जब हम वैदिक नॉलेज रखते हैं तो हम केवल गुडनेस में बात नहीं करते हैं, हम ऐसा बात करते हैं कि सामने वाला प्रेरित हो। तो किस तरह से हम गुडनेस में जा सकते हैं, उसके लिए ABCDE फॉर्मूला है। ABCDE फॉर्मूला क्या होता है कि हम भक्तों का एसोसिएशन करें जिनके अंदर प्रेम है, दया है, भक्ति है, ऐसे भक्तों का जब हम संग करते हैं तो हमारे अंदर गुडनेस आ जाएगा। फिर बुक्स, हम कैसी बुक्स पढ़ें, जब हम विजडम वाली भगवद गीता, श्रीमद भागवतम अपने सीनियर्स के साथ बैठ के पढ़ते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली हमें पता चलेगा, ओ हमें ऐसे करना चाहिए, ओ हमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम करना चाहिए, है ना, हमें यज्ञ में अर्पित अपने कर्मों को भगवान को अगर ऑफर करे तो हमारा ऐसा हो जाएगा, हमारी चैरिटी अगर ऐसी हो जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, बुक पढ़ेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चैंटिंग, सी फॉर चैंटिंग, जब हम हरे नाम का जप करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात कृष्ण है, उन्होंने कलयुग के उद्धार के लिए चैंटिंग और मेडिटेशन ही बताया। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करते हैं तो हम धीरे धीरे
हमारा अपने हमारे अंदर कामनेस आने लगती है, क्रोध कम हो जाता है, हमारा ध्यान जो है वो इंक्रीज हो जाता है और हम भगवत चीजों के प्रति उन्मुख हो जाते हैं, हम उनको रिसीव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमारा डाइट और एक्सरसाइज, हमारी डाइट अगर जैसे हमने देखा कोरोना वायरस में बार बार कहा गया कि भाई अब आप ना शाकाहारी व्यंजन खाइए, इट इज गुड फॉर ह्यूमन बीइंग। तो डाइट एंड एक्सरसाइज केवल शाकाहारी नहीं होना चाहिए, भगवत भगवत प्रसाद हो जाए तो इट इज मोर गुड, हम कर्मा से ही निकल जाएंगे। और एनवायरमेंट, ई फॉर अवॉइड अनफेवरेबल लोगों से हमें नहीं मिलना चाहिए, स्पिरिचुअल लोगों से मिलने से हमारा जो है गुडनेस जो है बढ़ जाएगा। तो ए बी सी डी फॉर्मूला अगर अपनाएं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम देखेंगे कुछ एक्टिविटीज है जो कि इस्कॉन में होती है जिससे कि द्वारा हम अपने बच्चों को अपना जो वर्क लेवल है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। होली नेम की चैंटिंग करना, प्रसादम खाना, तुलसी सेवा करना, कीर्तन करना, रीडिंग शास्त्रा एंड टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, इस तरह से हम कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों को एंगेज कर सकते हैं, धाम यात्रा कर सकते हैं, है ना, स्मॉल प्रेयर्स कर सकते हैं एंड इस तरह से हम बच्चों को बेड टाइम स्टोरी सिखा सकते हैं। कुछ एक्शन कराएंगे तो बच्चे जो है वो अपने आप लग जाएंगे। कुछ एक्टिविटी अगर हम चेंज कर लें जैसे मॉर्निंग और बेड टाइम प्रेयर्स कर लें, सिंपल मॉर्निंग प्रेयर में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी चैंटिंग कर सकते हैं। और बेड पर जाने से पहले हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं कि ओ कृष्णा, ओ श्रील प्रभुपाद प्लीज हेल्प मी एंड बिकम मी फिक्स इन डिवोशनल सर्विस, ओ कृष्णा हेल्प मी टू रिमेम्बर यू ऑलवेज, ओ मदर श्रीमती राधा रानी प्लीज हेल्प मी सर्व योर कृष्णा नाइसली, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हम जब प्रार्थना करते हैं रात में सोते समय सुबह, इनका भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और भगवान हमें बुद्धि प्रदान करते हैं ताकि हम स्मार्ट वर्क कर सकें। हमारे पास कुछ मॉरल्स होने चाहिए, है ना, जैसे श्रील प्रभुपाद ने कितना अद्भुत काम किया, उन्होंने सन्यासी होकर भी आज के जो टेक्निक्स है, इंटरनेट टेक्निक्स है, डेक्टाफोन है, जो भी था प्रभुपाद के पास उसको यूज किया। हम देखते हैं सेम प्रोसेस में हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज ने भी सारे जो हमारे जूम है और चीजें हैं, हमें कहा कि आप इसको स्पिरिचुअल प्रचार के लिए यूज कीजिए और हम देखते हैं इसे कितना बेनिफिट हो गया। श्री प्रभुपाद का हम इंस्पिरेशन लिख सकते हैं कि कितने जो वृद्ध अवस्था में श्री प्रभुपाद बाहर गए, विदेश में गए विदाउट कोई हेल्प, और उन्होंने 108 टेंपल 10 साल में तैयार किया जो कि आज लोग सपना है। दिस इज द एक्सीडेंट ऑफ श्री प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद न केवल टेंपल की स्थापना की बल्कि हमें स्क्रिप्चर्स भी दिया, हाँ हमें करके भी दिखाया सारी चीज। श्री प्रभुपाद स्मार्ट वर्क करते थे क्योंकि वो इन चीजों को टैब फॉर्मूला को फॉलो करते। अगर हम एक अंश भी अपने जीवन में टैप फॉर्मूला को अपने जीवन में अपना ले, है ना, वैदिक नॉलेज अपना ले, थिंकिंग को इम्प्रूव कर ले, तो हमारा एटीट्यूड एंड बिहेवियर अपने आप चेंज हो गया। तो श्री प्रभुपाद जो कई तरह की रथ यात्राएं करते थे, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में मिराकल थिंकिंग के द्वारा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो मैं श्री राधा गोविंद जी ब्लेस यू and your family in your effort of leading a meaningful life. Thank you so much. Shri Prabhupada ki jai. Thank you, Mataji, for your wonderful class. And definitely we'll benefit by your nice lecture and try to become smart in our work. Thank you so much for giving your association and the wonderful PPT you had made. Audio visual, because it was audio visual, so it will really have an impact on our heads. Thank you, Mataji. And please guide us whenever we need your association. Please be there to support us.